नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मेष राशि, मार्च 2019, मार्च के महीने में कौन सी ऐसी अशुभ तारीखें हैं जिन अशुभ तारीखों में हमको रहना है सावधान? कौन से ऐसे अशुभ योग हैं जो हमारे जीवन में तबाही लेके आ सकते हैं, जो हमारे शुभ कामों में अशुभता लेके आ सकते हैं? इन सभी विषयों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो यदि आप मेष राशि के जातक हैं, जातिका हैं, बच्चे हैं, तो आपको इन तारीखों को नोट कर लेना चाहिए ताकि आपके जीवन में कोई भी विपरीत परिणाम आपको ना मिल सके। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं। जीवन में दो बातें हमेशा हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं, एक खुशी और एक गम। लेकिन जानकारी हो कब हमारे जीवन में दुख आने वाला है तो हम उस दुख को कम कर सकते हैं या उस दुख से बच भी सकते हैं। दुख की घड़ी जब भी हमारे जीवन में आती है तो असंतोष होता है और हमारे जुबान से एक ही शब्द निकलता है या हमारे दिमाग में एक ही सोच आती है, काश किसी ने हमें पहले बता दिया होता कि यह दुख की घड़ी कब आएगी, काश हमें कोई ऐसा संकेत मिल गया होता तो हम आज के दिन सावधानी रखते, कोई उपाय कर लेते या ऐसी गलती ना करते जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ी हानि हो गई। तो यही काश शब्द जो है आपको बहुत परेशान करता है। कोई नहीं चाहता है कि आपके जीवन में दुख आए, संकट आए। एस्ट्रोलॉजर होने के नाते ईश्वर ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो बुद्धि दी है और जो ज्योतिष का ज्ञान दिया है, हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको उस अशुभ समय की जानकारी भी दें और शुभ समय की जानकारी भी दें, ताकि आप शुभ समय में अपने सभी शुभ काम कर लें और अशुभ समय में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको कोई परेशानी और दिक्कत हो। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह सभी अशुभ तारीखें, समय और योग। दूसरी वीडियो आप देखिएगा जो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसमें हम आपको बताएंगे शुभ तारीखें और शुभ तारीखों में आपको कैसे सफल होना है उसको भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा ताकि आप अशुभ तारीखों को शुभ बनाने का प्रयास कर सके। मार्च का महीना कुछ विशेष है, ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, आठ आठ ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। राहु केतु अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं अगले लगभग 18 महीने तक। देव गुरु बृहस्पति भी अपनी धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि के स्वामी मंगल भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। तो बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन है और यह सामान्य घटना नहीं है। तो इन्हीं सबसे मिलजुल के कुछ बुरे योग बनते हैं, उन बुरे योगों की हम चर्चा करेंगे। चंद्रमा एक प्रधान ग्रह है, मेन ग्रह है, जो सभी प्रकार के अशुभ योग को बनाते हैं दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर। तो चंद्रमा की भी चर्चा करेंगे कि चंद्रमा कौन से अशुभ दोष आपके जीवन में मार्च के महीने में बनाने वाले हैं। मार्च का महीना इसलिए भी बहुत विशेष है कि 4 मार्च को महाशिवरात्रि है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है और जीवन में मिलने वाले कष्ट भगवान भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ होली का त्यौहार भी है, होलिका दहन में आप अपने सभी पाप कष्ट बुरे कर्मों को नष्ट करके खुशियों की होली खेल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्च का महीना अत्यधिक विशेष है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक कुंडली है, इस कुंडली के माध्यम से आप समझते रहिएगा, मैं आपको बताता रहूंगा। मेष राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए पहला अशुभ योग जो बन रहा है वह 15 और 16 मार्च को बन रहा है। तृतीय भाव में चंद्रमा और राहु बना रहे हैं ग्रहण दोष। तृतीय भाव में पराक्रम भाव में देखिए चंद्रमा और राहु बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा और राहु की जो युति है यह ग्रहण दोष का निर्माण करती है। लेकिन एक विशेष बात यह भी है कि जब चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण दोष बनाते हैं तो वह अत्यधिक घातक होता है, अत्यधिक प्रभाव देता है, यानी अशुभ प्रभाव देता है, क्योंकि राहु जो है वह मुंह है और जो केतु है वह पूंछ है। तो जितना नुकसान हमें मुंह दे सकता है उतना पूंछ नहीं दे सकती है। तो इसलिए राहु के साथ बनने वाला ग्रहण दोष हमारे जीवन में
थोड़े ज्यादा कष्ट लेकर आता है। पराक्रम भाव में बनने वाला यह ग्रहण दोष आपके उत्साह, आपके बल, आपके जोश को कम करेगा और आपको यह समय सावधानी से बिताना चाहिए। वीडियो के अंत में दिए गए उपाय से आपको लाभ अवश्य मिल सकता है। तो राहु और चंद्रमा तृतीय भाव में 15 और 16 मार्च को ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। यह समय आपके लिए शुभ नहीं है। आपकी कुंडली में दूसरी अशुभ तारीखें होंगी 1, 28 और 29 तारीख। कुंडली में देखिए आप नवम भाव में चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। चंद्रमा और शनि जब एक साथ होते हैं तो विष दोष यानी जहर नामक दोष का निर्माण करते हैं। और जहर एक शब्द ऐसा है जिसको सुनने से ही मन में भय पैदा होता है, डर पैदा होता है। यदि जीवन में जहर घुल जाए, यदि जीवन में खुशियां समाप्त हो जाएं, जीवन में कष्ट ही कष्ट आ जाए, तो हम कहते हैं कि हमारे जीवन में सुख तो है ही नहीं, सब जगह जहर घुल गया है। तो कई बार यह जहर इतना घातक हो जाता है कि हमें मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे देता है। जीवन में शांति भंग हो जाती है, कहीं पर भी चैन नहीं मिलता है। और नवम भाव में बनने वाला शनि और चंद्रमा के द्वारा यह विष दोष आपके भाग्य में जहर को घोल देगा, यानी कि कुछ भी होने से पहले आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे और संभव है कि प्रयास करने के बाद भी आपको इन तारीखों में सफलता प्राप्त ना हो। तो इसलिए यह जहर जो है आपके जीवन में ना फैले, आपको पहले से सावधानी और तैयारी रखनी होगी। उपाय आपको वीडियो के अंत में मैं बता दूंगा ताकि आपको कोई कष्ट ना हो पाए। तो आपको 1, 28 और 29 तारीख को भी कोई भी काम करने से पहले उपाय और सावधानी जरूर रखनी चाहिए ताकि इस विष दोष के प्रभाव से आप मुक्त हो सके। और हो सकता है कि आपके परिवार में और भी लोग हों जो मेष राशि के हों, तो आप उनको भी इसकी जानकारी जरूर दें ताकि उनके जीवन में भी ये जहर दोष जो है या ग्रहण दोष जो मैंने पहले बताया उससे कोई अधिक हानि ना होने पाए और समय रहते आप लोग बच जाएं। अब बात करते हैं तीसरे अशुभ योग की। तो 3 और 4 मार्च को चंद्रमा केतु के साथ दशम भाव में बनाएंगे ग्रहण दोष। तो कुंडली आपके सामने फिर से है एक बार, यानी कि 3 और 4 मार्च को दशम भाव में केतु के साथ बन रहा है ग्रहण दोष। आपको पता है राहु और केतु जब इतने बड़े ग्रह सूर्य और चंद्र पर ग्रहण दोष लगाते हैं, इतने बड़े ग्रह जब उनसे बच नहीं पाते हैं, तो आप और मैं एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते क्या बच पाएंगे, क्या हमारे जीवन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। यदि कोई भी जातक या जातिका ये सोचता है कि हमारे जीवन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आप गलत सोचते हैं, आप इसके प्रभाव में जरूर आएंगे। कई बार क्या होता है कि हमें नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है, कई बार नुकसान थोड़ा छोटा होता है। उसके पीछे का कारण है आपकी जन्म कुंडली और ग्रहों का मजबूत होना, आपके प्रारब्ध में किए गए कर्म, आपकी अच्छी इच्छा शक्ति, आपका जो दृढ़ विश्वास है, आपका जो आगे बढ़ने का हौसला है। जब हौसला बुलंद हो तो फिर ग्रह हो या कोई इंसान हो, सबको झुकना पड़ता है, या फिर आप कोई इतने उपाय करते हो जिसकी वजह से ग्रह आपके प्रभाव ना पहुंचा पाते हो। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि बुरे समय में भी आप बच के निकल जाते हैं। तो इसलिए ये यकीन मानिए, जब सूर्य और चंद्रमा जैसे बड़े ग्रह राहु और केतु के प्रभाव से नहीं बच पाए तो आपका और हमारा बचना भी असंभव है। हम सिर्फ उपाय से बच सकते हैं, हम सिर्फ सावधानी से बच सकते हैं। तो 3 और 4 मार्च को हमें अपने जो कर्म स्थान है, यानी कि जो हम नौकरी करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, वहां पर दिक्कतें आ सकती हैं। जीवन में मिलने वाले सुखों में कमी हो सकती है, जीवन में मिलने वाले सुखों में अवरोध पैदा हो सकता है, घर परिवार में अशांति हो सकती है, परिवार के जो सदस्य हैं उनसे अनबन हो सकती है और हमारी नौकरी जो है, हमारा जो व्यवसाय जो है, वह कुछ ऐसा घट सकता है जिसकी वजह से हमें धन हानि हो सकती है। और कई मामलों में देखा गया है कि आज के दिन आप
दिमाग से काम ना लेने की वजह से अपनी नौकरी से निकाले भी जा सकते हैं, अपमानित भी हो सकते हैं, नौकरी छूट भी सकती है। तो 3 और 4 मार्च को दशम भाव में बनने वाला ग्रहण दोष कहीं ना कहीं आपके जीवन में दुख लेकर आ सकता है। यह अशुभ योग है, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। उपाय मैं वीडियो के अंत में आपको जरूर बताऊंगा। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और तारीखें हैं जो हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं। जब हमें दिमागी तौर पे चिंता होती है, हम परेशान रहते हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं, हम सोच समझ नहीं पाते हैं कि करें कि ना करें, अच्छे बुरे का जब हमें फर्क समझ नहीं पता चलता है, कौन शत्रु है कौन मित्र है इसका बोध हमें नहीं होता है, ज्ञान हमें नहीं होता है, तो ऐसे में भी कुछ अशुभ तारीखों का योगदान होता है। और वहां पर भी चंद्रमा का ही मेन रोल होता है, अशुभ भाव में बैठने की वजह से आपके दिमाग को दूषित करना, प्रभावित करना। तो जान लेते हैं वह तारीखें कौन सी हैं जिन तारीखों में हमें मनोविकार, डिप्रेशन, चिंता, उलझन या काम ना करने का मन करना, आलस ज्यादा होना या कामों को टालने की इच्छा होगी जिसकी वजह से आप अपनी हानि कर बैठेंगे। तो वह तारीखें हैं, कुंडली में देखिए, जब चंद्रमा चौथे भाव में होंगे तो यानी कि आपको मानसिक जो परेशानियां हैं वह देंगी, और चौथे भाव में चंद्रमा कब होंगे, 17 और 18 तारीख को। दूसरी अशुभ तारीखें जो आएंगी 25 और 26 तारीख को, जब चंद्रमा 8वें होंगे। और तीसरी अशुभ तारीखें आपके लिए आएंगी 8 और 9 तारीख, जब चंद्रमा आपके 12वें भाव में होंगे। यानी चौथे, 8वें और 12वें भाव में जब चंद्रमा बैठते हैं तो आपको परेशानी देते हैं, आपको शारीरिक कष्ट देते हैं, मानसिक चिंता देते हैं, धन की हानि कराते हैं, और धन की हानि के साथ साथ मन की हानि भी कराते हैं, मन का व्यय भी कराते हैं। तो आपको इन तारीखों में भी सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। तो मार्च के महीने में जो तारीखें हमारे लिए अच्छी नहीं है, अशुभ है, इन तारीखों में उपाय हमें जरूर करने चाहिए। अब बात करते हैं उपाय की। महाशिवरात्रि 4 मार्च को है, तो 4 मार्च को आप लोगों को शिव जी को जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला कम से कम करनी चाहिए, और ये इस दिन यदि आप रुद्राभिषेक करा लेते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और इसके साथ साथ दूध, चावल, सफेद वस्त्रों का दान करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। होली पर आप कोई गुप्त प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी जानकारी हम अगले वीडियो में आपको दे देंगे। आप उसको देख लीजिएगा कौन सा प्रयोग आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा ताकि आपके जीवन से कष्ट दूर हो सके। इसके साथ साथ शनि के द्वारा बनने वाले विष दोष के प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी की उपासना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपके काम आएगी, और इन तारीखों में आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपके जीवन में कष्ट हो, परेशानी हो। और इन तारीखों को जानने के बाद आप सभी शुभ तारीखों में शुभ काम करते हुए अपने जीवन को और सुंदर, मधुर और अच्छा बनाएंगे। जानकारी आपके लिए थी ताकि आप समय से सब कुछ जान सकें। तो इस जानकारी को शेयर करें, लाइक करें और अपने जीवन में भी याद रखें इन तारीखों को, ताकि आपको भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, होली का आनंद लेंगे, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप सभी लोग खुश रहें। हरिओम, नमस्कार।